लोकतंत्र बचाओ मोर्चा द्वारा आज मुरादाबाद में नशीली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने समेत चार सूत्रीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अध्यक्ष मुरादाबाद को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि भारत देश में बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है, रोजगार के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। देश के नौजवान बेरोजगारी से हताश होकर नशे को अपना उपाय समझ रहे हैं। वहीं नशे का कारोबार मुरादाबाद अन्य जनपदों में खुलेआम नशे की दवा व नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। वहीं हाजी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि आज भारत व उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी खुलेआम नशीले पदार्थ व नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार इस नशे की खेल को पूरी तरह बंद करे जिससे हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। मुरादाबाद से मोहम्मद आलम बारसी की खास रिपोर्ट। आज चार मांगे हैं। पहली मांग यह है कि नौजवान देश का बेरोजगार होने के कारण दिमागी बोझ है, तमाम मेडिकलों पर नशे की दवाइयां बिक रही हैं, नशे का इंजेक्शन बिक रहा है हॉस्पिटलों में, और जो दलित बस्तियां हैं और कमजोर बस्तियां हैं वहाँ इसकी बाढ़ आ चुकी है। आप किसी भी जायदाद को जाकर देख लें, दस इधर पड़े बच्चे, दस इधर पड़े। जब देश का नौजवान ही नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? तो हमारा कहना यह है कि पुलिस को निर्देशित किया जाए कि मेडिकलों पर जितनी है नशीली दवाई बेच रही है इसको बंद किया जाए और इन पर राशि लगाया जाए। दूसरी मांग, जो दशहरे के मौके पर उत्तर प्रदेश में खूनी खेल हुआ, यानी कि पुलिस सिविलियन के साथ अध्याय चला रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और हम ये कहते हैं कि मुद्दों पर काम करो, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम मत करो। ये दोनों आंखें हैं, दोनों पहिए हैं। अगर दोनों पहिए नहीं चलेंगे, न साइकिल चलेगी, न स्कूटर चलेगा और न ही देश की ट्रेन चलेगी, इसको तोड़ने का काम नहीं किया गया। तो ये हमारा मानना है, इस मुद्दे को लेकर, नशाखोरी को लेकर आज हमने नोटिस दिया है, उसके बाद हम इस पर जनसभाएं करेंगे और आपका सहयोग और आपका प्यार चाहते हैं।